उड़ीसा में मैं 3 लाख करोड़ रुपए रोड के डेवलपमेंट के लिए उड़ीसा में खर्चा कर रहा हूं और मेरा विश्वास है कि इससे उड़ीसा की बहुत प्रगति होगी। मैं विशेष रूप से, मुझे पता है कि आप लोगों की मेरे से क्या क्या अपेक्षा है और मैं तैयारी करके आया हूं और आखिर में उस पर बात करूंगा, पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक मैं 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा हूं जिसकी लागत 25,000 करोड़ रुपए है, 465 किलोमीटर की उसकी लेंथ है, 240 किलोमीटर ओडिशा में 68% काम पूरा हुआ है और दिसंबर तक इस हाईवे का काम पूरा होगा और जिससे ये करीब 7 घंटे का समय बचेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मुंबई से कलकत्ता 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 25,000 करोड़ का है, 1760 किलोमीटर, ओडिशा में 450 किलोमीटर ओडिशा में आता है, 400 किलोमीटर का 4 लेन का काम पूरा हुआ है, 50 किलोमीटर का काम केवल वाइल्ड लाइफ के कारण अभी अटका गया है, जल्दी ही उसका डीपीआर तैयार करके उसको भी हम पूरा करेंगे। रांची से संबलपुर 4 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं जिसकी कीमत 6,300 करोड़ रुपए है, 280 किलोमीटर, जिसका भी डीपीआर पूरा हुआ है और चुनाव के बाद उसके भी कार्य का शुभारंभ होगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है और भुवनेश्वर के रिंग रोड के लिए 111 किलोमीटर 6 लेन ग्रीन फील्ड रिंग रोड जिसकी लागत 6,500 करोड़ रुपए है, इसका निर्माण कार्य अक्टूबर से शुरू होगा, यह भी घोषणा मैं आज कर रहा हूं। यह हाईवे बनने से भुवनेश्वर कटक खुर्दा आने जाने वालों का करीब 1.5 घंटे समय बचेगा। संबलपुर के लिए 35 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड की लागत 1,333 करोड़ रुपए है और इसका भी निर्माण अक्टूबर 2024 में शुरू हो जाएगा और ये रिंग रोड बनने से कटक राउरकेला से आने वाला ट्रैफिक बाहर से निकल जाएगा। और बहुत सी बातें मेरे पास है पर मैं सब बातों के लिए समय नहीं गवाऊंगा, मुझे लग रहा था कि बरसात आएगी, पर अब आपको मैं बता रहा हूं जो जिसके लिए आप बहुत अपेक्षा रखकर इस सभा में आए हो। विशेष रूप से मैं भी आपको एक बात बताने वाला हूं। मैं जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।